बिल्कुल बेसिक पार्ट था जो अभी तक हमने देखा पीएनसी का, ठीक है। अब आगे आ रहा है, लिखो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, हेडिंग है ये ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। तो जितने भी तरीकों से सिलेक्ट किया जा सकता है वो सब देखेंगे अभी, ठीक है। एक को करना है, दो को करना है, सिलेक्शन करनी है, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एन सॉरी आर ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज एनसीआर। ये क्लियर है? यहां से हमें ये पता चला, ठीक है, कि एनसीआर फॉर्मूला लगाने के लिए वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने बहुत जरूरी हैं, डिफरेंट होने बहुत जरूरी हैं। अगर सेम है तो हम एनसीआर नहीं लगा सकते, ये तो क्लियर है, ये समझे। अब आगे अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अब आइडेंटिकल वाला केस शुरू हो रहा है, ठीक है, ध्यान से, आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज क्या होगा। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो कितने तरीकों से आर ऑब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। मान लो मेरे पास पांच मार्कर हैं, पांचों के पांचों आइडेंटिकल ब्लू, तो कितने तरीकों से मैं दो मार्कर चूज कर सकता हूं, सोच के बोलना, कितने तरीकों से मैं दो मार्कर चूज कर सकता हूं। एक, कोई भी दो चूज कर लो, सेम ही तो है, कोई भी दो चूज कर लो, सारे केसेस ही क्या है सेम। तो कितने तरीकों से मैं एक मार्कर चूज कर सकता हूं, एक, कोई भी एक उठा लो। क्योंकि देखो अगेन यहां पे पॉइंट समझो, कौन सी चीज है जो नंबर ऑफ केसेस को बनाता है, जो अलग अलग चीजें बनाता है। मतलब पहला चूज किया, तीन मार्कर थे ए बी सी, जब मैंने पहला चूज किया ए बी आ गया, फिर बी सी आ गया, ए सी आ गया, तो डिफरेंट इनको डिफरेंशिएट करने का तरीका है ना, ए बी बी सी ए सी। लेकिन अगर मैंने कोई भी तीन, अब आइडेंटिकल है, तुम पहले ये दो उठा लो, अभी भी क्या है ए ए, अगले दो उठा लो अभी भी क्या है ए ए, अगले दो उठा लो अभी भी क्या है ए ए, तो भैया आइडेंटिकली ये डिफरेंशिएट हुए ही नहीं ना। तो अगर केसेस डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हम, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको एक ही काउंट करेंगे, उनको एक ही काउंट करेंगे, अलग अलग नहीं है रहे ये, पॉइंट समझे। इसलिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन आइडेंटिकल भी क्या रहेगा, वन वन वन, एक ही तरीका रहेगा। कोई भी आर उठा लो, कोई भी आर उठा लो, वो सेम ही आंसर आएगा हमेशा, कोई डिफरेंट आंसर आ ही नहीं सकता। अगर डिफरेंट आंसर आता तो जाके हम बोलते, इसमें तो आ नहीं सकता, तो क्या आंसर आया इसमें, वन। लिखो वन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अगला थर्ड, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसी के नीचे, इसी केस में चार मार्क करके लिखो, कन्वर्ट एटलीस्ट और एटमोस्ट, कन्वर्ट एटलीस्ट और एटमोस्ट टू एग्जैक्टली। कन्वर्ट एटलीस्ट और एटमोस्ट
टू एग्जैक्टली. हाँ टू टीओ, यहाँ पे अंग्रेजी का मतलब समझो क्या बोल रहा है, कि एटलीस्ट या एटमोस्ट अगर आ जाए तो उसको हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, एग्जैक्टली में. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझो. यहाँ पे ये क्या बोला उसने, एटलीस्ट आर आउट ऑफ, तो एन में से कम कितने चूज करने हैं अपने को, आर. तो या तो आर कर लो, कम से कम आर, मतलब आर या आर से ज्यादा होना चाहिए, तो आर कर लो, या तो R+1 या तो R+2, फोनटेल सारे के सारे कर लिए, एन कर लिए. तो ये किसमें कन्वर्ट किया हमने, एग्जैक्टली में, कि एग्जैक्टली आर चूज किए, और एग्जैक्टली R+1 चूज किए, और एग्जैक्टली R+2 चूज किए, फोनटेल, और एग्जैक्टली एन के एन चूज कर लिए. तो हमने एटलीस्ट को किसमें कन्वर्ट किया, एग्जैक्टली में. तो ये करना जरूरी है, उसी के बाद आगे हम अप्रोच करेंगे. अब एग्जैक्टली आर चूज करने हैं तो NCR, और R+1 चूज करने हैं तो NC, और NC फोनटेल, और ये आंसर है. ये क्लियर है, श्योर, जल्दी इनको टोटल ऐड करके एन माइनस आर बनेंगे. तो ये बोला ये पूरी सीरीज का सम नहीं, अभी बताऊंगा अगले पार्ट में, क्योंकि उसमें वही करना, वो तू बताएगा फिर. पहले जल्दी करो. चलें फोर्थ पॉइंट, ये समझे ना एग्जैक्टली में कन्वर्ट करना कैसे, क्या मतलब था. ज्यादा से ज्यादा आर, तो आर या आर से कम होने चाहिए, तो इस केस में आर, R-1, R-2, सोनटेल, 3, 2, 1, या तो एक ऐसे, या तो एक करना, ज्यादा से ज्यादा करना है ना, एटमोस्ट आर करना है, या तो एक करना, दो करने, तीन करने, या तो जाते जाते सबसे ज्यादा कितने कर सकते हैं, आर, इससे ज्यादा नहीं कर सकते. तो ये क्या आ जाएगा, NC1, NC2, या तो कोई भी ना करो, राइट तो ये आएगा. ठीक है, हाँ, लेकिन अगर उसने बोला सिलेक्शन करनी करनी है, फिर कम से कम एक तो करना पड़ेगा सिलेक्ट. अगर उसने बोला सिलेक्ट करना है ज्यादा से ज्यादा आर, तो ज्यादा से ज्यादा आर तो कर लेंगे, लेकिन कम से कम कितने करेंगे उसमें, वन, क्योंकि सिलेक्शन करनी है. अगर जीरो सिलेक्ट किया तो मतलब सिलेक्शन ही नहीं हुई, तो वो केस नहीं काउंट करेंगे ना फिर इन दैट केस. ये क्लियर है, अगला लिखो. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन आइडेंटिकल. आउट ऑफ एन आइडेंटिकल. अब ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व करना, फर्स्ट एंड सेकंड केस सेम था, डिफरेंट एंड आइडेंटिकल वाला था बस. थर्ड एंड फोर्थ सेम चीज है, बस थर्ड के अंदर क्या था, डिफरेंट, फोर्थ के अंदर क्या है, आइडेंटिकल. अब इसका मतलब ये, उसके अंदर भी करेंगे यही चीज, लेकिन ये चीज अलग हो जाएगी. ये थर्ड का गया, अब इसके लिए क्या आ जाएगा, आर को सिलेक्ट करना है, आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एन आइडेंटिकल में से, कितने तरीके, वन, और R+1 करने का भी वन, और वन टोटल वन. अब हमें ये देखना है कि कितने टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे, जितनी टर्म्स आ रही है उतनी बार हमारा वन ऐड हो, हाँ या ना. तो कितनी टर्म्स आ रही हैं, कुछ भी बोलने से पहले कोई सोचते नहीं हो यार तुम. N-R+1, ये AP है, +1 होता जा रहा है, AP है, AP की फर्स्ट टर्म आ रहा है, तो इसकी पोजीशन ढूंढ लो क्या है, उतनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है. एन कैसे दिखाई दे रहा है भाई तेरे को, वन से शुरू होकर एन तक जा रहा है, आर से शुरू होकर एन तक आ रहा है, तो एन कैसे हुआ, हाँ भाई. तो क्या आएगी इसकी, आएगी N-R+1, लेकिन आई कैसे, मान लो इसकी पोजीशन है पी, ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म दैट इज आर प्लस पोजीशन माइनस वन इंटू डी, डी कितना आ रहा है, वन, तो N-R+1 दैट इज पी, तो इसकी पोजीशन क्या आ गई,
एन माइनस आर प्लस वन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज एन माइनस आर प्लस वन, तो वन ऐड होता जा, अच्छा वन अगर 10 टाइम्स ऐड हो रहा है तो 10, वन अगर 100 टाइम्स ऐड हो रहा है तो 100, तो वन अगर एन माइनस आर प्लस वन टाइम्स ऐड हो रहा है तो एन माइनस आर प्लस वन, तो इसका आंसर आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन। पॉइंट समझे? एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, एन माइनस आर प्लस वन। जल्दी चले फिफ्थ पॉइंट। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हाइल सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन, करो। ये थर्ड वाला केस ही है, इसके अंदर सिलेक्टिंग एटलीस्ट आर था, इसके अंदर एटलीस्ट क्या है तो आर की वैल्यू वन पुट करनी है, क्या आ जाएगा एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस ऑनटिल, ये आएगा। अब हमें बाइनोमियल से मालूम है कि एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस ऑनटिल एन सी एन की क्या वैल्यू होती है, ये याद है पता ना, एक्स प्लस वाई की पावर एन के अंदर एन एक्स एंड वाई दोनों को वन पुट कर दो तो याद आएगा। ठीक है, अब हमें ये जो है हमें ये चाहिए ना इसके अंदर से, तो ये वन होता है एन सी जीरो, इसको ले आओ, तो इसका सॉरी आंसर क्या आ जाएगा टू की पावर एन। तो ये टोटल पॉसिबल सिलेक्शन आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हाइल सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन। क्लियर है? अब इन चीजों को यूज कैसे करना, ठीक है, उसका छोटा छोटा पहले एग्जाम्पल देता हूं मैं। ठीक है, लिखो जरा एग्जाम्पल वन। ठीक है, लेट टू बैग्स बी वन एंड बी टू आर गिवन, लेट टू बैग्स बी वन एंड बी टू आर गिवन, बी वन कंटेन्स एन वन ऑब्जेक्ट ऑल आइडेंटिकल, बी वन कंटेन्स एन वन ऑब्जेक्ट ऑल आइडेंटिकल, बी टू कंटेन्स एन टू ऑब्जेक्ट ऑल डिस्टिंक्ट।
ठीक। फर्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द टोटल पॉसिबल सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन। क्लियर है? राइट। अब क्वेश्चन समझो क्या है, जब उसने पूछा ना कि टोटल सिलेक्शन, टोटल मतलब सिलेक्शन करने, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या है, उसने नहीं बोला किसमें से कितने लेने हैं, कम से कम एक उठाना है, चाहे वो बैग B1 से हो, चाहे वो बैग, इससे भी नहीं फर्क पड़ता हमें, ये समझे, कम से कम एक उठाना है, फिर बढ़ते 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 सारे के सारे उठा लिए, ये होगी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन। सिलेक्शन करनी है यार, सिलेक्शन करने के लिए कम से कम कितना उठाना पड़ेगा, एक। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे पास, N1 आइडेंटिकल, N2 डिस्टिंक्ट। अब ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में से कंबाइंड कम से कम एक उठाना है, जीरो नहीं, कम से कम एक उठाना है, ज्यादा से ज्यादा सारे के सारे, इन सबका टोटल नंबर ऑफ वेज बताने अपने को। अब यहाँ पे हमने पता क्या किया, दोनों केसेस को कंबाइन किया, आइडेंटिकल वाला एंड डिस्टिंक्ट वाला। अब इसको करने का तरीका, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना, इधर देखो, देखो बैग B1 B2, ठीक, बैग B1 B2, या तो हम इससे सिलेक्शन करेंगे, इससे भी करेंगे, या तो इससे करेंगे, इससे नहीं करेंगे, इससे नहीं करेंगे, इससे, या तो इससे भी नहीं करेंगे, इससे भी नहीं करेंगे, हाँ या ना, तो सही। टोटल ये केसेस पॉसिबल है, लेकिन हमें ये वाला केस नहीं चाहिए, हमें ये सारे केसेस चाहिए, हाँ या ना, चाहे इसमें से हो जाए, इसमें से हो जाए, इसमें से ना हो, इसमें से हो जाए, इसमें से ना हो, या दोनों में से हो जाए, कुछ कुछ, हमें ये नहीं चाहिए कि दोनों में से नहीं हो रही, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, पहला केस क्या है, B1 N1 आइडेंटिकल, B2 N2 डिस्टिंक्ट। अब मेरे को ये बताओ, इसके टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग प्लस नॉन सिलेक्टिंग कितने होंगे, मतलब अब मैं दोनों केसेस काउंट कर रहा हूं, मैं सिलेक्ट नहीं भी कर रहा, कर भी रहा हूं, मैं दोनों केसेस को काउंट कर रहा हूं, तो क्या आएगा, N1। कैसे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे, देखो अगर N1 आइडेंटिकल में से मेरे को कम से कम एक सिलेक्ट करना है, कम से कम एक सिलेक्ट करना है, तो कितने आंसर आएंगे, कितने वेज आएंगे, या तो एक कर लू, या तो दो कर लू, या तो तीन कर लू फ्रंटल, या तो N के N कर लू, तो इसका भी एक तरीका, इसका आइडेंटिकल है ना, इसका भी एक, सबका एक, तो कितना आ जाएगा, आया ना, राइट। अब इसके अंदर मेरे को ये देखना है कि सिलेक्शन नहीं भी करने वाला केस भी साथ में जोड़ना है, उसका आएगा +1। अब N1 +1 केसेस कौन से हैं, जिसके अंदर कम से कम हमने एक सिलेक्ट किया और कोई भी सिलेक्ट ना किया, वो वाला केस भी काउंट कर लिया हमने, हम कोई भी सिलेक्ट ना करने वाला केस भी ले रहे हैं, तो बेसिकली ये जो चीज अभी हमने ली वो क्या आ गया, सिलेक्शन प्लस नॉन सिलेक्शन, और सिलेक्शन के अंदर कम से कम एक सिलेक्शन हो रहा है, या तो कम से कम एक सिलेक्ट हो रहा है, या तो कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, पहले पूरा सुन ले, पहले पूरा सुन ले, या तो कम से कम एक हो रहा है, या तो कोई भी सिलेक्ट नहीं हो, वो तो एक ही केस आएगा ना, जीरो वाला, दैट इज, वो एक ही केस आएगा। अब वही चीज हमने इधर की, क्या कम से कम मतलब या तो करना है या तो नहीं करना है, तो जीरो वाला, एक वाला, दो वाला, तीन वाला, फ्रंटल, N, तो जीरो वाले के लिए क्या देगा, NC0 NC1 NC2 फ्रंटल, तो टोटल कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2 की पार N, और ये वो केसेस होंगे जिसके अंदर सिलेक्शन हो भी रही है, नहीं, नहीं, और अगर हो रही है कम से कम एक तो हो रही है, एक दो या सारे के सारे। अब अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बेसिकली क्या आएगा मेरा, ये मेरे इन चारों केसेस का सम आ जाएगा, क्या हो रहा है, देखो सिलेक्शन प्लस नॉन सिलेक्शन इनटू सिलेक्शन प्लस नॉन सिलेक्शन, यही हो रहा है, पहले का सिलेक्शन प्लस नॉन सिलेक्शन इनटू दूसरे का सिलेक्शन प्लस, वो चार केसेस देगा, सिलेक्शन सिलेक्शन, इधर के सिलेक्शन, इधर के सिलेक्शन, नॉन सिलेक्शन, नॉन सिलेक्शन सिलेक्शन, नॉन सिलेक्शन, ये चार केसेस आ गए। अब मेरे को ये वाला जो केस है वो वाला माइनस करना है, तो मेरे को बाकी जो तीन केसेस बनेंगे वो मेरे को मिल जाएंगे, तो इस वाले, अब ये क्या है मेरा, अब
N1 + 1 into 2 की पावर N2 आएगा, टोटल नंबर ऑफ के उसके अंदर जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है वो N2 है, ये आ गया। अब इसके अंदर एक केस है जिसके अंदर ना पहले में से सिलेक्शन हो रही है ना, वो एक ही केस है, समझे, वो वाला माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा मेरा टोटल पॉसिबल सिलेक्शन। अब किस में से कितने हो रहे हैं इतना पता, कम से कम एक तो हो रहा है पहले से हो रहा है, दूसरे किस में से कितने हो रहा है वो नहीं पता, पॉइंट समझे, पक्का सोच लो, ठीक है। अच्छा ये पता क्या आ गया, वो देखो याद करो, मान लो 3 बल्ब हैं, ठीक है, मान लो 3 बल्ब हैं, इसका दो ही ऑप्शन है, या तो जगेगा या तो बुझेगा, या तो बुझेगा, हर एक बल्ब के पास दो दो ऑप्शन है, या तो जगेगा या तो बुझेगा, ठीक है। तो कितने तरीकों से मैं इन पूरी चीजों को, मतलब रूम को इन तीनों बल्ब के थ्रू इल्यूमिनेट कर सकता हूँ। अब देखो, या तो इसके पास जगना बुझना, जगना बुझना, जगना बुझना, तो 2 × 2 × 2 -1, क्यों, क्योंकि एक केस आएगा जब ये भी बुझा होगा, ये भी बुझा होगा, ये वाला केस तो माइनस करना पड़ेगा, हाँ या ना। अच्छा मान लो ये एलईडी है, इसके पास दो रंग है, लाल नीला, और तीसरा केस बुझने वाला, तो ये तीन तरीकों से बुझेगा या तो जलेगा, तीन तरीकों से हो सकता है, जलने के लिए दो केस, बुझने के अलावा एक ही केस नहीं चल रहा, तो इसके तीन केसेस, इसके तीन केसेस, इसके तीन केसेस। अब टोटल नंबर ऑफ जिसके थ्रू मैं इल्यूमिनेट कर सकता हूँ, 3 × 3 × 3 - 1, क्योंकि एक केस ही, वो केस वही 1 ही आएगा जिस तरीके से तीनों के तीनों बुझे होंगे, ये वो वाला केस था, क्या ये वो वाला केस है जिसके थ्रू मैंने ना इसमें से सिलेक्शन की ना इसमें से, इसलिए वो वाला -1 किया, जो हमने इनके अंदर काउंट कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर क्या काउंट किया कि सिलेक्शन हो भी रही है नहीं भी हो रही, इसके अंदर भी क्या काउंट किया सिलेक्शन 1 से लेके हो भी रही है नहीं भी हो रही, सारे के सारे आपके 2 की बार N2 था, लेकिन जो नहीं होने वाला केस था वो हमें माइनस का, क्योंकि हमें कम से कम एक सिलेक्ट करना है, अब समझे, पक्का, अब बोलो। यार अगर पहले एक्सक्लूड कर दिया, पहले एक्सक्लूड कर दिया, तो तुम्हारा ये वाला केस आएगा ना सिर्फ, तुम्हें ये सिर्फ ये वाला केस मिलेगा, तुम इससे इसमें भी कम से कम एक सिलेक्शन कर रहे हो, इसमें भी कम से कम एक कर रहे हो, तो तुम एक्चुअली में क्या कर रहे हो कि दोनों में कम से कम एक एक सिलेक्शन हो ही रहा है, हमें नहीं वो चाहिए, हमें क्या चाहिए, इधर चाहे ना ओवरऑल पूरे के पूरे में से कम एक होना चाहिए, उससे हमें नहीं फर्क पड़ता कहाँ से हो रहा है, इधर से ना भी हो इधर से हो जाए, इधर से ना हो उधर से हो जाए, तुम क्या कर रहे हो कि दोनों में से कम एक हो रहा है, फिर वो फर्स्ट केस आ जाता है, ये नहीं चाहिए हमें, तुम ये दो केसेस मिस कर जाते ना, वो तो फिर बहुत, इसीलिए तो ये कर रहे हैं ना, क्लियर हुआ, कोई भी दिक्कत अभी बोलो प्लीज, किसी को लास्ट नहीं, क्योंकि इकट्ठा कर रहे हैं ना केस, इकट्ठा है, अब अगेन 3 बल्ब है, एक ही केस होगा ना जब तीनों बुझ रहे हैं, अलग अलग वाला केस तो ना लेंगे, ये भी बुझ रहा हो एक केस हो गया, ये भी बुझ रहा है एक केस हो गया, हम दोनों को एक कंबाइंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो केस तो एक ही आएगा ना, जब इसमें से भी सिलेक्ट नहीं हुआ एंड इसमें से भी सिलेक्ट नहीं हुआ, वो एक केस होगा, ठीक है, ये नोट कर लो, ये आएगा आंसर, ये आ गया टोटल सिलेक्शन प्लस नॉन सिलेक्शन, नॉन सिलेक्शन वाला केस माइनस करके ये आ गया। अच्छा रिपीट होने वाला गेट था वो, जिन अरेंजमेंट के अंदर होता है वो, अरेंजमेंट में होता है, 5 चीजों को अरेंज करना है जिसमें से दो चीजें सेम है, तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, चलें लिख लिया, सेकेंड इस सेकंड पार्ट इसके अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट, एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच बॉक्स, मतलब ऑब्वियसली सिलेक्शन की बात हो रही है, सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच बॉक्स, मतलब हर एक में से अब कम से कम एक सिलेक्ट करना, तो वो तुम्हारे वाला केस आ जाएगा। ठीक है, कि इसके अंदर से ही हमने क्या ले लिया, एन वन, वो ये वन वाला केस हटा दिया जो जिसके अंदर जीरो सिलेक्शन हो रही थी, एंड इसके अंदर से टू की पावर एन टू माइनस वन। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जाके हमें ये वाला केस मिलेगा, सॉरी ये वाला केस। ये क्लियर है? तो इसका आंसर आ जाएगा एन वन इंटू टू की पावर एन टू माइनस वन। माइनस वन नीचे है, पावर में नहीं है, याद रखना। सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच बैग, कहाँ पे? ये क्यों एन प्लस वन क्यों आएंगे? वो जीरो वाला केस आया ना। पहली बात तो मैं सी वाला कर ले रहा हूँ ना, इसके अंदर आइडेंटिकल नहीं है, डिस्टिंक्ट वाला है। आइडेंटिकल वाले में तो एन वन प्लस वन आया ना, ये तो डिस्टिंक्ट वाला था। हाँ, थर्ड केस, टोटल पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन व्हाइल सिलेक्टिंग नो ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी टू, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन व्हाइल सिलेक्टिंग नो ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी टू। अब बी टू में से कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, बी वन में से होना चाहिए, मतलब हम ये वाला केस देखते हैं, ये समझे? मुझे नहीं पता, अरे सोचो, बी वन में आइडेंटिकल है, डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या आएगा सोचो, फिर बोलो। बिल्कुल एन वन ही आएगा, रीजन देखो इसमें से तो एक ही केस है कि कोई सिलेक्ट नहीं करना, इधर का तो एक ही है, इधर अब कम से कम एक सेलेक्ट करना है, तो एक दो तीन फोनटेल एन वन, तो लेकिन आइडेंटिकल है सबका, एक एक ही आएगा, तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन फोनटेल वन, एन वन टाइम, तो एन वन आंसर आ जाएगा बात को। ये क्लियर हुआ? देख लो, नहीं किसी को समझ में आ रहा बोल दो यार। अब इसमें से सिलेक्ट करना है, कम से कम एक सिलेक्ट करना है ना, तो ये वाला केस आएगा ना तेरा, ये वाला का नहीं आएगा। अब एक को आइडेंटिकल में से एक सिलेक्ट करने का तरीका, एक दो सिलेक्ट करने का तरीका, एक तीन सिलेक्ट करने का तरीका, एक एन में से एन सिलेक्ट करने का तरीका, एक सबको ऐड करके क्या आ जाएगा, राइट? तो एन वन आंसर आ जाएगा इसका, इसका एक ही तरीका है ना सिलेक्ट करने का, तो मल्टीप्लाई करके एन वन बात कर दो। हाँ सॉरी, फोर, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन वेल सिलेक्टिंग एटलीस्ट वेल सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम बी टू, वेल सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम बी टू, अब बी टू में से कम कितने सिलेक्ट करने हैं? एक, तो बी टू क्या है जिसके अंदर डिस्टिंक्ट है, तो कम से कम एक सिलेक्ट करने का तरीका क्या आ जाएगा इसका, टू की पावर एन माइनस वन। अब देखो बी वन बी टू, इसका टू की पावर एन टू माइनस वन, ये आ गया। अब यार कम से कम तो एक सिलेक्ट हो ही गया ओवरऑल में से, अब बी वन में से मैं करूं चाहे ना करूं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवरऑल कम से कम एक तो सिलेक्ट हो ही गया, तो सिलेक्शन तो हो ही रही है, तो इसके अंदर से ना होने वाला केस हटाना नहीं है अभी, वो लेना है।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर से कम एक सिलेक्शन तो हो ही रही है। अब इसके अंदर क्या आंसर आएगा, या तो जीरो सिलेक्ट, या तो वन, या तो टू काउंटिल, या तो एन वन। तो क्या आंसर आ जाएगा, वन प्लस एन वन। तो वन प्लस एन वन इंटू टू की पार एन टू माइनस वन, हो चाहे ना हो इसमें कम से कम एक सिलेक्ट तो हो गया। इसमें से कम एक सिलेक्ट हो गया ना, इसमें हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें तो हो ही गया ही। इसलिए इसलिए इसके अंदर जीरो वाला केस भी आया, ये वन एक केस जो जीरो वाला आ रहा है वो भी हम ले रहे ना इसके अंदर। अब क्लियर है पक्का? क्या कर दें? हाँ, अगला टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन वाइल सिलेक्टिंग एटलीस्ट टू फ्रॉम बी टू, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन वाइल सिलेक्टिंग एटलीस्ट टू फ्रॉम बी टू। वाइल सिलेक्टिंग एटलीस्ट टू फ्रॉम बी टू, अब बी टू में से कम दो सिलेक्ट करने हैं, जैसे पहले कम से कम एक था, अब कम से कम दो करने हैं। मतलब बी टू में से हमें क्या चाहिए, ये दो नहीं चाहिए, बाकी सारे के सारे चाहिए। तो ये दोनों माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, टू की पावर एन माइनस वन। तो वन प्लस एन वन इंटू टू की पावर एन टू माइनस वन माइनस एन टू, ये आंसर आ जाएगा पक्का। Yes, sir. देख लो, ठीक है चले।